नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। हरियाणा विधानसभा का प्रथम बजट सत्र का आज पहला दिन था और इस बार बजट सत्र काफी हंगामेदार हुआ। आपको बता दें कि सत्र का प्रथम चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा, लेकिन इस बार विपक्ष काफी ज्यादा नाराज दिखा, क्योंकि विपक्ष ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही बजट सत्र में कई अहम घोषणाएं होनी थी, जिनमें बेरोजगारी, पेंशन, पुलिस बल, अवैध खनन और बढ़ती शराबखोरी चर्चा का विषय बनेगी। लेकिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के बाद ही सत्र में हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार किसको लेकर सत्र में हंगामा हुआ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। गवर्नर का अभिभाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा दे दें। देखिए, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी कोई इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। मंत्री पर जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। विपक्षियों का हंगामा देख सीएम मनोहर लाल सीट से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच चल रही है, वह विपक्ष के कहने पर इस्तीफा नहीं लेंगे। इसके बावजूद विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए स्पीकर सीट से उठे और कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है, बिना जांच पूरी हुए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को कांग्रेसी विधायकों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में हो या विपक्ष में, सभी नेताओं के खिलाफ ऐसी शिकायतें हैं, तो क्या सभी को बर्खास्त कर दिया जाए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को इस्तीफा लेना चाहिए। जब भाजपा उन्हें अपनी मीटिंग में नहीं बुला रही, तो फिर सरकार में मंत्री को क्यों बनाकर रखा हुआ है। इस पर सीएम ने कहा कि उनसे खेल विभाग वापस लिया जा चुका है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। दोनों के बीच इसी बात को लेकर कुछ मिनट तक बहस होती रही। कांग्रेस विधायकों के लगातार विरोध पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा, वह वेल में आने की कोशिश ना करे, अन्यथा वह सुरक्षा कर्मियों को बुला लेंगे। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ महिला कांग्रेस विधायक हंगामा करती रही, जिसे देख स्पीकर ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के बजट सत्र के दौरान राज्य के गृह मंत्री अनिल विज अस्वस्थ होने के कारण बजट सत्र में उपस्थित नहीं हो पाए। देखिए, आरोप लगाना, आरोप साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। आरोप किसी के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता, उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। किसी के ऊपर भी आरोप लग सकता है, उसकी इंक्वायरी होती है, एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मेरी बात सुनिए आप, ये ठीक है, जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया, ये कहकर जब तक ये जांच साफ नहीं होगी, हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री से आप अनुरोध है, या तो अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा दे लें, जांच हो जाए। देखिए, मैं समझता हूँ, ये जो है किसी के ऊपर आरोप लगने के बाद उसको आरोपित करार दे देना, एफआईआर तो होती है, बहुत सारी एफआईआर हुई हुई है, बहुत सारी एफआईआर हुई हुई है, बहुत सारे जो बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत सारे लोग इस्तीफा लेंगे, क्या वो देगा कि नहीं देगा, एक ही जवाब, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। बड़ी परेशान की बात है, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, इस्तीफा नहीं, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, नहीं लेंगे, तब तक कोई भी कोई इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए बहुत सारे देखिए।